तो फिलहाल मैं मेकअप कर चुकी कि सारे कलर पे चल जाएगा एक ही दुपट्टा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जयसोनी फ्यूचर बिग स्टार। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज है सावन का पहला दिन और सोमवार पहला दिन भी और सोमवार है, तो आप सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अभी चलिए मैं मंदिर जा रही, और मतलब अभी 2 दिनों से मेरा जो ब्लॉग है मंदिर जाने का ही हो रहा है। और अभी फटाफट नहा चुकी हूँ, मैं तैयार होना है मुझे भी और मंदिर पर जाना है। नॉर्मल जाऊँ, कुछ भी नहीं, आज फास्टिंग नहीं करने वाली, बट हम मंदिर जाऊँगी, अच्छा लगेगा। आज सोमवार भी है तो थोड़ा तो पूजा वूजा होना चाहिए। तो चलिए मैं फटाफट नेल पेंट लगाने और पैरों में भी आलता लगा, तो फिर मिलते हैं। पैरों में आलता लगा कर और नेल पेंट लगा कर, मैंने नेल पेंट भी लगा लिया है इधर, और देखो कितना मस्त रेड रेड अच्छा लग रहा है। और पैरों में भी आलता, तो चलो फिर फटाक से मिलती हूँ। फिर से तैयार होके बाल खुल गए, बाल इतनी गर्मी है ना गाइज यहाँ पे, अब जुलाई भी लास्ट होने वाला और गर्मी, कोटा में गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। अभी भी 35-36 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे गर्मी, इतनी गर्मी कि मतलब अच्छा नहीं लगता, मन करता ठंडा का मौसम ही चाहिए। तो चलो फटाक से तैयार होते फिर मिलते हैं। वैसे भी टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर 12 बज जाएगा, तो मंदिर जाना अच्छा नहीं होता। 12 बजे से जल्दी चले जाएंगे तो जल्दी हो जाएगा पूजा। मन तो मेरा बहुत था कि साड़ी पहने, लेकिन इस गर्मी को देखते हुए मेरी हिम्मत नहीं हुई कि साड़ी पहनूं, पर हाँ किसी एक मंडे को ज़रूर पहने के हम साड़ी। और अभी तो फिलहाल मैंने सिंपल सा कुर्ती पहन लिया है और दुपट्टा इसके लिए मैं, मेरी सासू माँ ने बहुत ही प्यारा दुपट्टा लाया है, कोई बिल्कुल मैं दिखा। तो फिलहाल मैं मेकअप कर चुकी हूँ, मेकअप नहीं बोलूँगी, मतलब नो क्रीम, ओनली पाउडर। सिर्फ पाउडर से मैंने अपने चेहरे को चमका लिया है और लाइट सिंदूर लगा लिया है इधर और बिंदी लगा लिया। और अब ये दुपट्टा मेरी सासू माँ ने लाया था वृंदावन से, और ये कलरफुल है मस्त, मतलब सारे कलर में है, इसलिए मुझे पसंद भी है बहुत, मतलब अच्छा लगा मुझे कि सारे कलर पे चल जाएगा एक ही दुपट्टा, बहुत सारे कपड़ों के साथ, सूट के साथ या जो भी। और सॉरी कर रही हूँ, बाल का जुड़ा करके ही जाएंगे। और ये वाला भी, ये जो हिमाचल वाला, जो सॉरी गाइस ये हिमाचल नहीं नेपाली, नेपाल वाला माला बोल सकते हो, नेपाली लुक में ज़्यादा लोग ये करेंगे। हिमाचली लुक कैसा लगेगा, थोड़ा यू नो स्टाइल मार के। चलो कोई नहीं, मैं लेट हो रही तो मैं फिलहाल चल रही मंदिर इसी दुपट्टा को लेके। देखो तुरंत पाउडर लगाया, तुरंत पिघल निकल के सारा बाहर आ गया, ऐसा ही होता है। अच्छा है ना दुपट्टा, ये दुपट्टा कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। और तो चलो फटाक से बाल को फोल्ड करते हैं और फिर चलते हैं मंदिर। रहा पूजा का सारा सामान, और अब मैं भी रेडी हो गई, ये दुपट्टा, और अब मैं जा रही हूँ मंदिर। ठीक है, चलते हैं फिर मंदिर में मिलते हैं। मैं पहुंच चुकी हूँ मंदिर, और मंदिर में आज थोड़ा बहुत गर्मी है वैसे, आज दिख रहा है कि हाँ सावन है। वैसे पिछले बार जब आई थी 2 दिन पहले ही, तो कोई भी मंदिर में नहीं था, और आज अभी भी 12:30 से ज़्यादा हो चुका है, बट मंदिर में लोग हैं, ये चीज़ अच्छा लग रहा है, यानी पता चल रहा है सावन आ चुका है। मैं नल से पानी में कर रही मंदिर सारी पूजा कर रही। बच्चे लोग बदमाशी कर रहे हैं, ये देखो बंद रखो, देखिए थोड़ा सा कहीं मोबाइल ही छीन के ना मारे। इतने सारे बंदर डर के मारे मैं जा भी नहीं रही। ये है पीपल का पेड़ जहाँ पूजा करना था मुझे, और ये बट सावित्री जहाँ मैंने किया था वही बट का पेड़ है। मैं आ चुकी हूँ मंदिर से रूम, और अब जा रही खाना बनाने अपने लिए जल्दी जल्दी। टाइम बहुत हो जाता है, मेरा खाने का आदत शेड्यूल जो है ना, मतलब क्या बोलते हैं आदतें, वो बहुत ख़राब हो चुका है। नाश्ता करने के टाइम पे मैं तो लगता है कि मतलब काम शुरू करती हूँ और खाना खाने के समय नाश्ता करती हूँ। ये है शेड्यूल मेरा, तो वो गलत चल रहा है। फ़िलहाल तो जा रही खाना बनाने और जल्दी से फिर खाते हैं। इतनी गर्मी लग रही है कि ये कपड़ा एकदम मन नहीं कर रहा है कि ज़्यादा देर तक रखो, तो फटाफट चेंज करते हैं और फिर मिलते हैं हम खाना बनाने वाले। सो फ्रेंड्स, मेरा खाना बनकर तैयार हो चुका, और कल की ब्लॉगिंग जो मैंने एडिट किया था उसे भी अपलोड कर दिया। बहुत मेहनत लगता है गाइस, ऐसा लगता है ना कि ब्लॉगिंग करना बहुत आसान है। जो लोग ब्लॉगिंग नहीं करते हैं या जो लोग कैमरा को फेस नहीं किया, उन्हें लगता है ना ब्लॉगिंग करना इतना ईजी है यार, बहुत ईजी है, बट ऐसा नहीं है, बहुत मेहनत लगता है। मुझे मतलब मेरा तो एक्सपीरियंस हो चुका है, फिर भी मुझे ये फील होता है कि बहुत कठिन है। उसमें टाइम देना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, अपलोडिंग करना पड़ता है, टैग लगाने पड़ते हैं, हैशटैग लगाना पड़ता है, वो सारी चीज़ें होती है, जिसकी वजह से बहुत टाइम हो गया। फाइनली अभी जस्ट मैंने अपलोड किया, अभी 2 बज रहे लगभग, 2 से ज़्यादा हो गया, और अब जा रही मैं खाने के लिए। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ऐसे भी मैं चाहती हूँ ज़्यादा लंबा ब्लॉग ना बने, मेरा लगभग 7 से 8 मिनट मैक्सिमम, नहीं तो उससे छोटा बने। सो कीप वॉचिंग माय वीडियो, बी हेल्दी एंड बी बेस्ट। ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ गाइस सपोर्ट करना, क्योंकि मेहनत बहुत लगता है एडिटिंग करने में, अपलोड करने में। बिलीव नहीं होता तो आप लोग 1 सप्ते रील्स बना के देखो, पता चलेगा कि कितना मेहनत करना पड़ता है ब्लॉग को अपलोड करने में। सो बाय, कीप वॉचिंग माय वीडियो, बी हेल्दी एंड बी बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।